ऑपरेशंस की क्या होता है, ऑपरेशंस भी क्या होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, अगर मैं 20 25 को कॉपी करके 20 पे जनरली जब पेस्ट करूं तो क्या करता है, 20 रिप्लेस बाय 25, am I right? यस सर। बट अगर मैं इसको कॉपी किया और यहां पे पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में अगर मैंने यूज किया ऑपरेशन में से कि ऐड, तो क्या होगा कि ये कॉपी जो होगा पेस्ट होगा तो ये 25 रिप्लेस नहीं होगा, 20 + 25 = 45 रिजल्ट आएगा। ठीक है, मतलब कि जब हम ऑपरेशंस यूज करते हैं तो जहां से कॉपी होता है जहां पेस्ट होता है उनके बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। अब इसमें एक चीज आती बात कि हम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे अपने ऑफिशियल लाइफ में। ठीक है, ऑफिशियल लाइफ में हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए चलिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। अगर मान लीजिए कि मुझे अपने सेल पे परसेंटेज लिखना है, जैसे मुझे लिखना है 20%, तो 20 और फिर हम परसेंट का सिंबल डाल देते हैं तो 20% लिख देते हैं, आ जाता है। ठीक है, लेकिन यही मैं 20 लिख लूं उसके बाद इस पे हम परसेंट का सिंबल अप्लाई करें जो कि हमारे होम मेनू में होता है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल सी परसेंटेज होता है, तो क्या होगा 2000% आ जाएगा, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। जब मैं इसकी परसेंटेज हटाऊंगा मतलब कि इसको मैं जनरल फॉर्मेट में करूंगा तो वापस से 20 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने गलती से 20 लिख दिया, अब मुझे इसको 20% करना है, तो मुझे क्या करने होंगे कि इस पे जाके परसेंटेज का सिंबल वापस लगा के एंटर मारना पड़ेगा, या फिर मैं अगर मैं 0.20 लिखूं इसके बाद अगर परसेंटेज डालूं तो 20% आ जाएगा। एक समझ में आ गया आपको? यस। अब चलिए एक स्टोरी सुनाते हैं आपको कि हमारे कलीग थे, वो हमें एक कुछ परसेंटेज भेजा करते थे, किसी क्लाइंट की परसेंटेज होती थी, कमीशन कट ऑफ परसेंटेज होता था, तो वो ऊपर का परसेंटेज का सैंपल मुझे भेज देते। मैं एक रैंडम डेटा बना लेता हूं, ठीक है, मुझे इस तरह से भेज देते थे, मतलब कि ये 66 नहीं 66% समझ गए। अब मेरा जो फॉर्मेट था जहां पे इस परसेंटेज के बिहाफ पे मैं आगे कैलकुलेशन करके अपना रिजल्ट निकालता था, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होती थी कि वो 6600% ज्यादा था, अब मुझे उसमें डिवाइड बाय 100 और बहुत सारी चीज करने पड़ जाते थे। अब बात आती है, अब क्वेश्चन इज दैट कि यहां पे हम 66 को 66% में हाउ कैन कन्वर्ट। मेथड तो बहुत सारे हैं लेकिन एक सिंपल सरल और सबसे आसान जो समझने वाली मेथड है वो सिंपल है कि मैं किसी एक सेल पे 100 टाइप करूंगा और फिर इस 100 को कॉपी कर पूरे एरिया में सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और डिवाइड कर दूंगा। जब 66 डिवाइड बाई 100 होगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट 0.66 जीरो हो गया। अगर हम इसे परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो 66% आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें दिक्कत से आता है कि अगर मैं अहम मान लीजिए कंट्रोल जेड हमने कर दिया, मुझे वापस इसको नंबर में कन्वर्ट करने, तो कैसे करें, क्या वाइस वर्सा, एक तो हमने नंबर से परसेंटेज कर लिया, दैट अगर मुझे परसेंटेज आया और मुझे नंबर जरूरत है तो नंबर में कैसे करेंगे, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में करेंगे कि सबसे पहले इसको तो परसेंटेज का सिंबल हटा देंगे,
देन 100 को कॉपी करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इस पे हम करेंगे डिवाइड का ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड के रिवर्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। आइए अगर कोई अनदर एग्जांपल दें आपको, तो क्या है कि मेरे पास यहां पे सेल्स है जी, जो कि नेम और यहां पे डे वन बाय इस तरह से, जो कि एक फॉर्मूला से आया हुआ है, ये हमने मैनुअल नहीं लिख रखे है, ये फॉर्मूला से आया हुआ है, समझ गए। मानो रैंडमिक की जगह कोई वी लुकअप से लुकअप कोई ऐसा फॉर्मूला है। अब मेरे पास सेम सीक्वेंस में हमारा टारगेट आया हुआ है, टारगेट जो है वो नॉन मैनुअल है, ठीक है, टारगेट। अब मुझे यहां पे जो सेल्स है, सेल्स यहां पे मुझे सेल्स की जगह पे शो करना है अचीव, ठीक है, मतलब कि मैं टारगेट को डिवाइड करूं सेल्स से। मैनुअल है, ये फॉर्मूला है और हर किसी के लिए अलग अलग है, तो हमें एक एक पे जाके डिवाइड बाय 55, फिर डिवाइड बाय 27, डिवाइड बाय 40, डिवाइड बाय 88, ऐसे वन बाय वन करने पड़ेंगे। क्या समझ में आया अंकित जी? यस सर। ये तो टीडीएस जॉब हो जाएगा, काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, छोटा मा चले छोटा सा डेटा है तो आप 10 मिनट आधे घंटे में कर लोगे, लेकिन अगर बड़ा डेटा हुआ तो उस केस में हम क्या करेंगे, देख हमने देखा कि इसका सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस सेम, ठीक है, और पुनीत का 55 है, सीक्वेंस ये भी है, तो हम पूरे डेटा को कॉपी करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसमें हम डिवाइड सिलेक्ट करेंगे। ये क्या करेगा कि रैंक बिटवीन जो फॉर्मूला है इसको ओवरराइट नहीं करेगा, इसी के अंदर जाके वो डिवाइड बाय 55 कर देगा अंदर, देखिए ऊपर में देखिए आप, ठीक है, हर किसी में अलग अलग किया इसने, इसमें देखो 70-27 है, इसमें 40 है, इसमें 88 है, इसमें 90 है, इसमें हमारा 13 है, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अगला टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा से सेल्स के रिकॉर्ड्स है, सेल्स के रिकॉर्ड्स है, कॉपी किया एंड पेस्ट किया। अभी क्या हुआ कि मुझे इस पे कुछ और कैलकुलेशन करनी है, लेकिन मैं एक बार इसको वेरीफाई करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, मैंने क्यूसी टीम को मैंने भेजा, बोला कि इसको जो है एक बार वेरीफाई कर दो। क्यूसी टीम ने क्या किया, चेक किया कि 88 नहीं है, इनको कुछ करेक्शन मिला कि 88 की जगह पे 90 है, 32 के जगह पे 35 है, बाकी सब ठीक है, 79 के जगह पे 70 है, 25 के जगह पे 30 है, इस तरह से उनको करेक्शंस मिले, तो उन्होंने करेक्शन यहाँ ओवरराइट नहीं किया, इसके सामने लिख दिया ताकि मैं एक बार चेक करूं फिर देन ओवरराइट, ठीक है। अब प्रॉब्लम आ गई ओवरराइट करने की, क्योंकि मुझे जो इसको कॉपी पेस्ट करनी है तो पूरा कॉलम नहीं करना है, क्योंकि पूरा कॉलम करेंगे तो ये डेटा जो है ये तो ओवरराइट हो जाएगा ना ब्लैंक से। Yes, sir. हमको सिर्फ कॉपी पर इस पे पेस्ट करना है, उतना एरिया पेस्ट करना है जितना फिल है, मतलब डली हुई है उसी एरिया को कॉपी पेस्ट करना है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे
और हमारे पास पेस्ट स्पेशल में एक होता है स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे देन देयर इज ओके। तो आपने देखा कि जहां जहां 90 है वही वही पेस्ट हुआ, 35 की जगह पे 35, 70 की जगह पे 70, 30 की जगह पे 30, इस तरीके से। ठीक है, यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब बात आती है हमारे पास नेक्स्ट इसकी लिंक की। एक डेटा है हमारे पास, उस मैं चाहता हूं कि जो डेटा यहां पे लिखा हुआ है वो सेम डेटा दूसरी जगह पे भी लिखा हुआ, जो डेटा हम यहां है हमारा कोई डेटा हम चाहते हैं यहां भी है। तो लिंक करने के लिए एक मैनुअल लिंक होता है, तो मैनुअल लिंक करने के लिए हम इक्वल प्रेस करते हैं और सिलेक्ट करके एंटर मार देते हैं तो लिंक हो जाता है, और आगे ड्रैग करने के लिए उसको ड्रैग भी कर सकते हो। इससे क्या होगा बेनिफिट कि मैं यहां पर 20 लिख के एंटर मारूंगा ऑटोमेटिकली 20 हो जाएगा। तो हमने कैसे किया, जस्ट इक्वल प्रेस कर लिया। लेकिन ये इक्वल प्रेस करने वाला चीज जो आइटम है वो काफी थोड़ा सा दिक्कत देता है, ठीक है, कभी कभी नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके तो जिस एरिया पे हमें करना है वहां पे पेस्ट स्पेशल, और यहां पे देख रहे हैं आपको पेस्ट लिंक का एक बटन दिख रहा है, इस पेस्ट लिंक पे हिट करेंगे और क्लिक करेंगे यहां पे आपके पास लिंक बन जाए। ये जरूरी कि सेम सीट पे हो, आप अनदर सीट भी कर सकते हो, जैसे मुझे यहां करना है राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए लिंक, या अनदर फाइल पे भी कर सकते हो। तो ये आपका उस डेटा से जो आपका ओरिजिनल डेटा है उस डेटा से कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। गुड आउट इसमें? नहीं सर। ठीक है, गुड। अब बात करते हैं पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक की। कभी कभी क्या होता है कि इस पूरे डेटा को एक छोटे से डेटा एरिया में मुझे शो करना होता है, जब डैशबोर्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसके, तो अगर मैं इस कॉलम को छोटा करूं तो पूरा कॉलम छोटा होगा, तो इसके नीचे हो सकता है बड़ी लाइन लिखी हो वो छोटी हो जाएगी क्या। तो हम क्या करते हैं कि इसको कॉपी करके जहां शो करना है वहां पे पेस्ट एज ए पिक्चर कर देते हैं। यहां इस पे क्लिक करेंगे ये पेस्ट एज ए पिक्चर शो करेगा, पेस्ट एज ए पिक्चर आ गया। अब इसको हम यहां पे सिलेक्ट करेंगे, छोटा करेंगे तो छोटा होगा, बड़ा करेंगे तो बड़ा होगा, तो अपने हिसाब से इसको छोटा करें, ठीक है। लेकिन इसमें कोई चेंजिंग होगा तो ये आपका चेंज नहीं हुआ क्योंकि इससे कनेक्टेड नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कनेक्टेड हो, क्योंकि मैं जब चेंज करूं तो चेंज हो, तो पिक्चर की जगह पे पिक्चर के जस्ट बगल में लिंक का ये जो लिंक का बटन चैनल के बटन देख रहे हैं उसको लिंक का आइकन है, लिंक है, तो पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। इससे क्या होगा कि अगर आप वैल्यू चेंज करें या कोई फॉर्मेट में कलर चेंज किया तो एंटर मार के आपका एक कलर चेंज हो गया, तो ये लिंक हो जाता है। तो पिक्चर की तरह है और आपके डेटा से लिंक भी है। अब बोलोगे सर इसका क्या बेनिफिट क्या है, एक तो बेनिफिट आएगा छोटे एरिया में, और क्या बेनिफिट है, तो चलिए एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं जो कि मैंने कल रात में पढ़ाया था। मेरे पास दो डेटा है, इसमें एक नेम वाइज मेरा सेल्स रिकॉर्ड है जिसमें हमने चार बना रखा है, ठीक है, दूसरा मंथ वाइज है जिसमें हमने चार बना रखा है। एक ही डेटा की दो समरी है, हम सेल्स एग्जीक्यूटिव वाले हमने सेल्स की समरी निकाल रखी है और दूसरा मंथ वाइज हमने सेल्स की समरी निकाल रखी है, उसको चार्ट में दिखा रखा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं किसी अलग सीट पे मैं यहां मंथ, यहां पे मैं मंथ सेलेक्ट करूं तो मंथ, अगर मैं नेम सेलेक्ट करूं तो नेम के हिसाब से डेटा आना चाहिए, सॉरी एक्सरे हो गया।
तो प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको सर कि जी क्या प्रॉब्लम थी, मतलब क्या हमें सॉल्यूशन देना है। मतलब वो चार्ट को वहां पे लाना है कि फिर डेटा लाना है? डेटा चार्ट दो, चार्ट आ जाएगा डेटा भी आ जाएगा। मैं वो माफ कीजिएगा फाइल, वो फाइल मिस हो गई, मैं पूरा बना देता हूँ, दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक नेम के हिसाब से सेल सेल्स है, तो डेटा भी ला सकते हो चार्ट भी ला सकते हो, तो डिपेंड करता है कि क्या जरूरत है। अगर डेटा ला दिए तो चार्ट भी ला सकते हैं, चार्ट ला दिए तो डेटा भी ला सकते हैं, क्या है? कमलेश जी आपकी माइक वर्क नहीं कर रही है, तो आप अपने डाउट्स चैटिंग से भी पूछ सकते हैं, इसमें चैट की भी फैसिलिटी है, तो उससे भी आप पूछ सकते ठीक है, और इंसर्ट हम यहां से चार्ट ले लिया। छोटा कर दिया, ठीक है, चार्ट हमारा। अब फॉर्मूला में भी वार में जा, इसमें पेज लेआउट में आप ग्रिड लाइन देख रहे हैं, ग्रिड लाइन में व्यू है, मतलब कि जो लाइनिंग आपको दिख रही है इसको हटाने के लिए यहां से व्यू पे अनचेक कर दीजिए तो ये आपका हट जाएगा। अब बात आती है इसको कि मुझे शो करना है तो कैसे शो करना है, तो एक तो है कि आप सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी किया और मैं यहां पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर सकते हैं, पिक्चर लिंक, ठीक है। अब कैसे करें, तो हम क्या करेंगे कि जो भी एरिया है ना, इस एरिया को हम नाम दे सकते हैं, ठीक है, इस एरिया को हम नाम दे सकते हैं। तो एरिया का नाम क्या होता है, नाम क्या होता है समझिए, जैसे कि अभी सिस्टम इसको A1 के नाम, ये जो है हमारा माना C1 के नाम से जानती है C1, लेकिन फॉर्मूला बार में डिफाइन नेम में जाके अगर इसका नाम मैंने DD रख दिया तो नेक्स्ट टाइम सिस्टम इसको DD के नाम से जानेगा, C1 के नाम से नहीं जानेगा। तो एक एरिया का या एक सेल का या एक पूरे एरिया को एक नाम आप डिफाइन कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, A1 B1 C1 को छोड़ के अपने हिसाब से नाम दे सकते। तो मैंने क्या किया कि इस एरिया का डिफाइन नेम में गया और नाम दे दिया नेम, ठीक है, अब सिस्टम इसको नेम के नाम से जानता है। और सेम इसका नाम जो है हमने दे दिया डिफाइन नेम, इसका नाम दे दिया मैंने मंथ, अब इसको सिस्टम मंथ के नाम से जानता है। मतलब कि जो हमने पेज से जो पिक्चर लिंक किया था इसके जगह पे आप देख रहे हैं कि एक एड्रेस है C1 E2 से I12, इसके जगह पे अगर मैं नेम दे दिया जो डिफाइन किया था तो नेम आएगा उसका डेटा आएगा, अगर मैं यहां पे मंथ दे दिया तो मंथ का दिखेगा,
समझ गए? नेम डाला तो नेम लिखेगा एंड मंथ डाला तो मंथ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं यहां पे देखना चाहूंगा कि सेलेक्ट और यहां पे ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूं। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आप डेटा मेनू बार के अंदर में डेटा वैलिडेशन होता है वहां पे जाए, लिस्ट पे जाए और यहां पे आप जो है लिख दें नेम कॉमा मंथ। ओके कर दो तो ये ड्रॉप डाउन बन के आ जाता है यहां पे नेम एंड मंथ। मतलब ये सिलेक्ट करूं तो चेंज हो, तो कैसे हो, कब इसको इसके साथ कैसे लिंक करें? तो इसको हम डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक और डिफाइन नेम करना पड़ेगा। डिफाइन नेम हमने यहां पे लिख दिया शो के नाम से, और यहां पे हम डायरेक्ट इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो मंथ इसी एरिया को नाम दे देगा वो, समझे? और डायरेक्ट इसको सिलेक्ट करिए तो इसी एरिया का नाम दे देगा, सो सिर्फ मंथ दिखाएगा फिर। तो इसको कैसे लिखेंगे, हमें इनडायरेक्ट फॉर्मूला से इसको शो करवाना पड़ेगा। इनडायरेक्ट फॉर्मूला इसको कनेक्ट कर देगा मंथ नाम के डेटा रेंज से जो हमने डिफाइन किए हुए, और यहां जो मंथ लिख रहे हैं इसकी जगह पे हम शो लिख देंगे। अब मैं यहां से चेंज करूंगा मंथ नेम मंथ, ठीक है? जब यहाँ पे मंथ नेम सिलेक्ट हो तो इसको रेफर करे और यहाँ पे मंथ सिलेक्ट हो तो इसको रेफर करे, क्या सर? तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम शो में हम इनडायरेक्ट ना लगाता और डायरेक्ट ए थ्री दे देता तो फिर वो ए थ्री को शो करता, इनको रेफर नहीं करता। तो इनडायरेक्ट ने समझाया कि नेम इज नॉट ए सेल, सेल वैल्यू मतलब कि ए थ्री की वैल्यू नेम नहीं है, जो नेम है वो नेम नाम का रेंज है जिसका रेंज इसका मतलब लोकेशन सी टू वन की ई से ई टू से एच लेवल है। तो इनडायरेक्ट काम यही है कि सिस्टम को आइडेंटिफाई कराता है कि जो सेल की वैल्यू लिखी हुई है वो सेल की वैल्यू नहीं, एक डिफाइंड नेम या एक रेंज है। सुना गया? अगर आप ये इनडायरेक्ट ना लगाया, मान लीजिए मैं डायरेक्ट कर देता हूं, मान लीजिए मैं डायरेक्ट जो है इसको डिलीट करता हूं और डायरेक्ट जो है सी टू की हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा देखिए। अब नेम दिख रहा है, सिर्फ नेम दिख रहा है आपको, इसी को शो कर रहा है, इसी को यहां पे शो कर दे रहा है, समझ गए? इसलिए हमने क्या करना हुआ कि हमें इसको ये जो हमने E3 लिखा हुआ है इसको हमें लिखना लिखना पड़ा इन डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर। इनडायरेक्ट का बेसिकली काम क्या होता है, एड्रेस वापस करना। इनडायरेक्ट का बहुत है कि सेल वैल्यू को मतलब कि सिस्टम को एक्सप्लेन करना सेल वैल्यू को एज ए रेफरेंस, जो सेल वैल्यू है वो रेफरेंस नहीं सेल रेफरेंस है, होता है कि जो सेल वैल्यू लिखा हुआ है जो एक पर्टिकुलर सेल पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एक रेफरेंस ही बताता है। ओके इंटरप्रेटर समझ सकते कि एक तरह इंटरप्रेटर है, ठीक है? तो ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और आज की जो रिकॉर्डिंग है ये आज की रिकॉर्डिंग भी आपको हम भेज देते हैं।